नमस्कार, ये है रेडियो पीटी। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी आरजे किरण को। एक बार मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ एक खास खबर के साथ, और खास खबर है प्रदूषण को लेकर। दिवाली को बीते 10 दिनों से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन दिल्ली में गैस का आवरण बना हुआ है। 13 नवंबर को दिल्ली गैस का चैम्बर बन गई। सुबह जब लोगों ने बाहर देखा तो दंग रह गए। पहले तो सोचा कि शायद ये कोहरा होगा, लेकिन बाहर निकलकर एहसास हुआ कि प्रदूषण की मोटी चादर ने दिल्ली को अपने आगोश में ले लिया है। आज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक स्थिति में है और लगातार कई दिनों से बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों जैसे आनंद विहार, आईटीआई जहांगीरपुरी में आईक्यू 400 के ऊपर पहुंच चुका है, जो इसे खतरनाक श्रेणी में रखता है। ये स्थिति विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं वाले लोगों के लिए चिंताजनक है। लगातार स्मॉग और कम दृश्यता के कारण कुछ क्षेत्रों में हवाई यात्रा भी प्रभावित हो रही है। दिल्ली के आसपास के शहरों में जैसे नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। प्रशासन द्वारा लोगों को बाहर निकलने से बचने, खिड़कियां बंद रखने और घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। तो ये थी आज की खास खबर। एक अन्य खबर के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हाँ, प्रदूषण से अपना ख्याल रखिए। जब भी बाहर निकलें, मास्क लगाकर निकलें। आस पड़ोसियों को भी ये सलाह आप दे सकते हैं, और सुनते रहिए रेडियो पीटी। रेडियो, 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 रेडियो पीटी।